नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भाग देने की विधियों के बारे में जी हाँ दोस्तों एग्जाम में संख्याएं आती हैं और उस पर लिखा रहता है कि यह संख्या किस से भाजित होगी यह प्रश्न अब आप, आप चुटकियों में हल कर दोगे जी हाँ दोस्तों आप प्रश्न देखकर ही बता दोगे कि यह संख्या में किस का भाग जाएगा इसमें हम पूरी ट्रिक इसमें जानेंगे हर संख्या के बारे में जाने की कौन सी संख्या किससे से भागजित होगी इसकी पूरी शॉर्टकट ट्रैक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अपना नाम लिखकर सेंड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हैं जहां पर इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है इसके बाद चलते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं दो से भाजकता का नियम दो से भाग देने का जो नियम है वह क्या है तो यहाँ पर है कि जिस संख्या के अंकों के अंत में जीरो दो चार छः आठ हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। यानी कि किसी भी संख्या के जो अंक अंत के अंक होते हैं यानी कि जो इकाई का अंक होता है वहाँ पर जीरो हो या फिर क्या हो कोई सम अंक हो दो चार छः आठ ठीक है तो वह संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं जैसे ये चौबीस है चौबीस चौबीस क्या है यह इकाई का अंक क्या है इसका चार है तो यह दो से विभाजित होगी 348 है इसमें इकाई का अंक 8 है तो यह भी दो से विभाजित होगी सात सौ है इसका इकाई का अंक 6 है तो यह भी दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी इसके बाद तैतालीस पचास है इसका इकाई का अंक क्या है ज़ीरो है तो यह भी दो से विभाजित हो जाएगी बयालीस अंठावन है इसको भी इकाई का अंक आठ है तो यह भी दो से विभाजित हो जाएगी ऐसे ही कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो आपको केवल इकाई का अंक देखना है इसमें इकाई का अंग सम है या नहीं यदि सम है तो वह दो से विभाजित हो जाएगी यदि विषम है जैसे कि तीन पाँच सात नौ तो वह दो से विभाजित नहीं होगी ठीक है यह हमने जाना दो के नियम है दो से भाग देने का नियम आप किसी भी संख्या कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो आप देख के ही पहचान लोगे कि इसमें दो का भाग जाएगा या नहीं अब हम जानते हैं तीन से भाग देने का नियम तीन से भाग देने का नियम क्या कहता है तो जिस संख्या के अंकों के योगफल में कोई भी जो संख्या दी हुई है उस संख्या का हम योगफल करेंगे और उस योगफल में तीन का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या भी तीन से भाज्य होगी यानी योगफल में यदि तीन का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वह संख्या भी कैसे तीन से विभाजित हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं बहत्तर बहत्तर में आप अंकों का योग करेंगे तो सात और दो कितने हो जाएंगे नौ हो जाएंगे यह नौ तीन से पूरी तरह विभाजित है तो यानी बहत्तर भी तीन से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी वहीं बात करें दो सौ की तो यह दो चार तीन यह भी कितना नौ हो जाता है तो नौ भी तीन से पूरी तरह विभाजित है इसलिए दो सौ तैंतालीस भी विभाजित हो जाएगी इसके बाद है पैंतालीस बारह इसका जो योगफल क्या हो जाएगा चार पाँच नौ एक दस और दो बारह तो बारह भी तीन से विभाजित है पूरी तरह से यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पैंतालीस बारह भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तीन से वहीं बात करने अब पचासी सात सौ इकसठ इसका हम योग करेंगे आठ प्लस पाँच प्लस सात प्लस छः प्लस एक बराबर कितना आएगा सत्ताईस आएगा और सत्ताईस भी अपना तीन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो यह है, पचासी सात सौ इकसठ जो है वह तीन से भी डिवाइड हो जाएगी यानी इसमें आप तीन का भाग दे के पूरी तरह से काट सकते हैं ठीक है इसके बाद हम जानते हैं चार से भाग देने का नियम चार से भाग देने के नियम के बारे में जानते हैं कि किसी संख्या में आप चार का भाग जाएगा या नहीं तो देखिए यहाँ पर है कि जिस संख्या के इकाई जिस संख्या के इकाई और दहाई इकाई और दहाई के अंक में चार का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या भी चार से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी यानी कि आप देख सकते हैं इकाई एक देखिए इकाई दहाई सैकड़ा इतना तो आप जानती हो ठीक है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दहाई और इकाई ठीक है इसके बाद यहाँ पर कितनी भी संख्या क्यों ना हो वह यदि आपका इकाई और दहाई का जो यहाँ पर अंक दिए हुए हैं इनमें कितने चार का भाग जाना चाहिए तो वह संख्या भी पूरी तरह से चार से भाग चली जाएगी जैसे कि आप देखिए यहाँ पर है पंद्रह तीन सौ छियानवे पंद्रह तीन सौ छियानवे इतनी बड़ी संख्या है आप इसको देख के कैसे पहचानोगे कि इसमें चार का भाग जाएगा या नहीं तो आपके लिए देखिए इकाई और दहाई यानी इकाई और दहाई क्या है इकाई है छः और दहाई है नौ यानी छियानबे है तो छियानबे को आप चार से भाग दोगे तो यह पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो इस संख्या में भी पंद्रह तीन सौ छियानबे में भी आप चार का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसके बाद हम जानेंगे पाँच से भाजकता का नियम यानी पाँच से भाग देने का जो नियम है वह क्या कहता है तो जिस संख्या के अंत में जीरो कोई भी संख्या हो उस संख्या के इकाई के अंक में जीरो या फिर पाँच आए तो वह संख्या पाँच से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी कोई भी संख्या हो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो उसके इकाई में जीरो आए या फिर और क्या आए जीरो आए या फिर पाँच आए तो वह संख्या पाँच से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं आठ सौ पचास यह भी you know पाँच से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी नौ सौ पचहत्तर यह भी पाँच से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी नब्बे यह भी पाँच से विभाजित पूरी तरह हो जाएगी क्योंकि इसमें जीरो है एक सौ में लास्ट में क्या है पाँच पचासी सात सौ नब्बे में इकाई का अंक क्या है जीरो है बारह छः सौ पच्चीस में इकाई का अंक क्या है पाँच है तो यह पूरी तरह पाँच से विभाजित हो जाएगी यानी कि इकाई के अंक में यदि जीरो हो या फिर पाँच हो तो वह संख्या पाँच से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी ठीक है इसके बाद हम जानते हैं छः का भाग देने का नियमन छः से किस संख्या में भाग जाएगा तो क्या कंडीशन रहेगी तो यहां पर देख सकते हैं जो संख्या जो संख्या दो व तीन से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या छह से भी विभाजित हो जाएगी जो संख्या के से दो और तीन से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या छः से भी विभाजित हो जाएगी अब देखिए इसके लिए आपको दो का नियम भी याद रखना है और तीन का नियम भी आपको रखना है दो का नियम क्या कहता है तो दो का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंक में सम हो सम हो या फिर जीरो हो तो वह दो से विभाजित हो जाएगी वहीं तीन कहता है कि संख्या के युग में तीन का भाग चला जाए तो वह संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी और भाग नंबर जो छः से भाग देने का नियम कहता है वह कहता है कि जिस संख्या में दो का और व तीन का भाग चला जाए तो वह संख्या में छः का भाग भी पूरी तरह से चला जाएगा दो या तीन से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या कितनी से छः से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है छत्तीस दिया है क्या दिया है छत्तीस दिया है तो इसको आप देखिए इसमें छत्तीस को इसमें सम संख्या यानी दूसरे भाग पूरी तरह चला जाएगा तो यह छः से भी चला जाएगा बयालीस है यह सम संख्या यानी दो का भाग चला जाएगा तो इसको छः से भाग इसमें भी चला जाएगा भाई बात क्या है चौरासी चौरासी में क्या है आठ और चार तो यह क्या है यह बारह है तो इसमें तीन का भाग भी चला जाएगा और दो का भाग भी चला जाएगा इसके बाद एक सौ अड़सठ है इसमें दो का भाग भी चला जाएगा और तीन का भाग भी चला जाएगा तो छः का भाग भी इसमें चला जाएगा ऐसे ही सत्तावन तीस और ऐसे ही पचासी नौ सौ चवालीस इसमें भी आप दो का भी भाग दे लोगे तो जाएगा छः का भाग भी चला जाएगा और तीन का भाग भी चला जाएगा तो छः से भाग देने का नियम है कि जिस संख्या में दो व तीन का पूरी पूरी तरह से भाग जाता है तो उस संख्याओं में छः का भाग भी पूरी तरह से चला जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नियम है अपना सात से भाग देने का नियम यानी सात से भाजकता का जो नियम है वह है कि दी गई संख्या के इकाई दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं यदि से संख्या सात से कट जाए तो वह सात से भाज्य हो जाएगी यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ा हार्ड भी है देख आप देख सकते हैं इसमें आपको समझना बहुत ही जरूरी है एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जैसे कि कोई संख्या सोलह आठ सौ सात है यहाँ पर है सोलह आठ सौ सो सात यानी कि जो इकाई का अंक क्या है इकाई का अंक है यहाँ पर सात है इकाई का अंक क्या है इकाई का अंक सात इकाई के अंक को क्या करेंगे इकाई के अंक को हम दोगुना करेंगे जी लिखा है देखिए इकाई के अंक को हम क्या करेंगे दोगुना करेंगे दोगुना करने के बाद हम शेष संख्या में से घटा देंगे यानी देखिए सोलह आठ सौ सात इसका इकाई का अंक क्या है सात सात को हम क्या करेंगे दोगुना करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा इसके बाद हम शेष संख्या यानी कि सोलह सौ अस्सी फर्स्ट स्टेप अपना क्या है 1680 में से आपको क्या इकाई का दोगुना यानी कि चौदह माइनस करना है तो 1680 में से आप कितना चौदह माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा सोलह सौ छियासठ इसके बाद देखिए फिर सेकेंड स्टेप है इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा छः इसमें इकाई का अंक है तो आप छः दूनी बारह करोगे यानी देखिए एक सौ छियासठ में आप बारह माइनस करोगे तो कितना बचेगा एक सौ चौवन बचेगा इसके बाद इकाई का अंक क्या है चार है और शेष संख्या है पंद्रह तो यहाँ पर पंद्रह में आपको किसका भाग माइनस करना है सॉरी पंद्रह में से चार का दोगुना यानी कि आठ घटाना है तो कितना बचेगा सात बचेगा आप सात संख्या सात से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो यह संख्या सात से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो यह सोलह आठ सौ साठ जो संख्या है यह भी सात से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी यह भी सात से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी आप आसानी से देख सकते इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने का आपको बनता है क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस की नहीं करोगे तो आप पे सात से भाग देने का नियम को कठिनाई आ सकती है लेकिन आप दो चार बार यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से ही इसको आप बाकी सभी संख्याओं की तरह इसको भी सॉल्व कर लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो अपना नियम है वह है आठ से भाग देने का नियम क्या है आठ से भाग देने का नियम है और यह नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई दहाई इकाई दहाई बा सैकड़ा के अंकों में चा आठ का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या भी आठ से विभाजित हो जाएगी किसी जिस संख्या में इकाई दहाई बाद सैकड़ा अंकों में यदि आठ का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या आठ से विभाजित हो जाएगी एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि तिहत्तर पाँच सौ तो चौरासी तिहत्तर पाँच सौ तो चौरासी है इसमें इकाई चार है दहाई आठ है और सैकड़ा है पाँच यानी यह संख्या निकाल के आती है आठ सौ चौरासी तो आप इसको आठ सौ चौरासी के लिए आठ से डिवाइड करोगे किससे करोगे आठ से डिवाइड करोगे तो यह कितनी बार जाएगी यह सात बार चली जाएगी कितनी बार जाएगी सात बार चली जाएगी तो कितना आएगा छप्पन आ जाएगा ठीक है छप्पन आ जाएगा तो यह बचेगा कितना दो बचेगा फिर लास्ट में चार है तो यह चौबीस हो जाएगी तो यह है, फिर तीन बार चली जाएगी यानी यह कितनी आठ से पूरी तरह से विभाजित हो रही है आप पाँच सौ चौरासी जो है वह आठ से पूरा तरह विभाजित हुआ यानी आठ सौ चौरासी में किसका पहले आप आठ का भाग दोगे तो यह कितना आएगा छप्पन आएगा छप्पन में अंठावन में छप्पन जाएंगे तो दो बचेंगे फिर बच्चे चार फिर आठ का जाएगा तो आठ त्रीस चौबीस हो जाएगा यानी पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है तो बाकी जो संख्या यहाँ पर दी हुई है इसमें भी आठ का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें भी आठ का पूरा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा यानी कि आप कह सकते हैं संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो यदि उनकी इकाई दहाई और सैकड़ा के जो है उसमें आठ का पूरा, पूरा पूरा भाग चला जाए तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग आठ चला जाएगा यानी आठ से पूरी तरह से वह कट जाएगी इसके बाद हम बात करते हैं नौ से भाग देने के नियम के बारे में तो नौ से भाग देने के नियम क्या कहता है जिस संख्या के योग में नौ का पूरा पूरा भाग चला जाए जिस संख्या के योग में नौ से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या भी नौ से भाज्य हो जाएगी संख्या कोई भी दी है जैसे उस संख्या का हम पहले योग करेंगे उसके बाद योग में नौ का भाग देंगे तो यदि उसका नौ से पूरी तरह से कट जाती है तो वह संख्या में भी नौ से भाग चला जाएगा जैसे कि संख्या है सैंतालीस छः सौ इक्यानवे संख्या क्या है सैतालीस छः सौ इक्यानवे है इस इसके अंकों का हम योग करेंगे यानी कि चार प्लस सात प्लस छः प्लस नौ प्लस एक बराबर कितना जाएगा? 27 आ जाएगा सत्ताईस आ जाएगा यदि हम सत्ताईस को नौ से भाग देंगे तो यह तीन बार कट जाएगा यानी पूरी तरह से कट जाएगा सं, संख्या के युग में नौ का हम भाग देंगे और पूरा पूरा यदि भाग चला जाए तो वह संख्या नौ से भी पूरी पूरी तरह से कट जाएगी यानी पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्या है अपना ग्यारह ठीक है ग्यारह से भाग देने का नियम इससे पहले क्या आता है दस आता है तो दस से भाग देने का नियम तो देखिए दस का आप किसी भी संख्या में देख के ही ऐसे ही बता दोगे क्योंकि उसमें यदि जी लास्ट में जीरो रहे तो वह दस से आराम से ही कट जाती है ठीक है दस से आराम से ही कट जाती है बस इकाई में उसका क्या रहे जीरो रहना चाहिए ठीक है तो वह किस से दस से कट जाती है इसके बाद क्या है ग्यारह ग्यारह से भाग देना का नियम क्या कहता है ग्यारह से भाग देने का नियम कहता है कि जिस संख्या में सम स्थान सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर सम स्थान और विषम स्थानों के जो अंकों का अंतर रहता है वह जीरो आए या फिर ग्यारह आए जीरो आए या ग्यारह आए ग्यारह से विभाजित हो तो वह संख्या किससे ग्यारह से विभाजित हो जाएगी जिस क्या कहता है नियम कहता है कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर जीरो या ग्यारह से विभाजित हो तो वह संख्या ग्यारह से विभाजित हो जाएगी एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पंचानवे सात सौ चवालीस यह एक संख्या है पंचानवे सात सौ चवालीस यह क्या है एक संख्या है यहाँ पर आप क्या कह रहा है पहले कह रहा है कि जिस सम सम स्थान यानी सम स्थान पर जो अंक हैं उनका युग और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका युग करके हम उनका अंतर देखेंगे यानी सम सबसे पहले हम क्या देखें विषम विषम अंक जो है वह कौन कौन है तो विषम स्थान कौन सा है देखिए एक स्थान दो स्थान तीन चार पाँच स्थान है तो देखिए दो क्या है दो एक सम है इसके बाद चार एक सम है यानी नौ जो है एक नंबर एक स्थान पर है तो यह क्या है विषम है तो यह देखिए नौ इसके बाद दो क्या है दो है एक सम इसके बाद सात क्या है एक विषम चार जो है यह विषम स्थान पर है तो यह क्या हो जाएगा चार हो जाएगा उसके बाद फिर इस पर चार हो जाएगा यहाँ पर अब देखिए इसको अपन को माइनस करना है नौ सात चार और चार प्लस नौ यहाँ पर देखिए इस नौ सात चार इसमें क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा पाँच प्लस चार नौ हो जाएगा अब इसका हम अंतर देखेंगे तो अंतर कितना ग्यारह आ जाएगा तो इनका अंतर ग्यारह या फिर जीरो आए ग्यारह आए या फिर जीरो आए तो वह सं जो अंतर रहता है वह ग्यारह से भाग जाना चाहिए यानी ग्यारह से यदि पूरा पूरा कट जाए तो यदि ग्यारह आया तो ग्यारह से तो कट ही जाएगा और यदि इसका अंतर जीरो भी आए तो वह भी ग्यारह से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा ठीक है ग्यारह का जो अंतर रहता है सम स्थानों के अंकों का और विषम स्थानों के अंकों का अंतर यदि जीरो या ग्यारह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या में ग्यारह से पूरी तरह से भी वह विभाजित हो जाएगी आप यह याद रखिएगा ठीक है एक बार में इसको देखिए सम स्थान विषम स्थान क्या कहता है जैसे यह संख्या दी है तो ये स्थान देखिए एक स्थान जे दूसरा स्थान तीसरा चौथा और जे पाँचवें स्थान पर है तो यहाँ पर सम क्या क्या है और विषम क्या है तो सम जो है वह केवल दो और चार है और विषम यहाँ पर एक तीन और पाँच है तो ठीक है यह अंक यहाँ पर एक के स्थान पर क्या है नौ है तीन के स्थान पर सात है और पाँच के स्थान पर क्या है चार इनका टोटल मिलाएंगे तो बीस करेंगे और सम क्या है पाँच और चार तो इनका क्या है इनका हो जाएगा इनका नौ हो जाएगा तो बीस में से आप नौ माइनस करोगे तो ग्यारह हो जाएगी और ग्यारह जो अंतर आया इनसे ग्यारह से भाग चला जाएगा तो यह संख्या भी पंचानवे सात सौ चवालीस है यह सात से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी इसके बाद हम दोस्तों एक नोट्स जान जान लेते हैं कि यदि कोई संख्या छः बार यदि कोई संख्या है जो कि छः बार एक ही अंक की पुनर्वृद्धि करती है या पुनर्वृद्धि से बनी होती है तो उस संख्या में तीन सात ग्यारह बार तेरह और सैंतीस से पूर्णता विभाजित हो जाएगी यानी कि कोई भी संख्या है यदि एक ही अंक छः चे बार लिखा हुआ है तो वह संख्या तीन सात ग्यारह तेरह व सैंतीस से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं छियासठ 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 तैतीस तैंतीस तैंतीस निन्यानवे 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 सतहत्तर 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 यह संख्या के तीन सात ग्यारह तेरह व सैतीस से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी ऐसे यूनक प्रश्न अगले एग्जाम में पूछे ही जाते हैं तो आपको यह आप याद रखिए कि यदि कोई भी संख्या एक अंक छः बार लिखा है तो वह संख्या तीन सात ग्यारह तेरह व सैंतीस से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो दोस्तों हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाय